बीवी ने सुताई करी है या कान पकड़ के रात को घर से निकाल दिए? नहीं मम्मी जी, बात ये नहीं है जी, बात ये है कि मैं देखता समझ नहीं रहा, मैंने कहना कर दिया हर दिया, मैंने कहना कर हर दिया, मैंने जाम हर दिया हर जाकता मैं। मम्मी जी बात ये है, वो मेरी पड़ोसन ना लपी लूथरा, आज मैंने उसको किसी के साथ स्कूटर पे जाते हुए देखा, जबकि उसका पड़ोसी मैं हूँ, वो किसी और के स्कूटर पे कैसे बैठ सकती है? हाउ डेयर ही। छोड़ लपी लूथरा, करेक्टर ने अपने कर साफ सुथरा। बुढ़ाऊ उम्र देख ले अपनी, प्रेम पुजारी हो रहा है। और एक ये महापुजारी पंडित जी, ऐसा है जरा कुछ काम माम भी कर लीजिए, क्योंकि काम ही पूजा है। बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। तो आप यहाँ लेटने आई हैं? बहुत लंबी हो रही है जबान। लेटने मैं ना आई हूँ, बल्कि लिटाने आई हूँ इंदर और भूपिंदर ने। जीप निकाल। जीप निकाल, जीप में। मिस्टर लूथरा इधर। या फिर से या मॉम? सर नहीं आया अभी तक ऑफिस। नॉट कम, ही इज द डूस। परशुराम जी। मैडम सर ऑफिस आए कि नहीं? नहीं मैडम। या दिस वन। मुंह देखा था गमला गुनगुनाहट का, वो देखो। अरे हाँ यार, ऐसी सुताई की उसकी, ऐसी सुताई की कि सुताई की सुताई भी हो गई और जग हंसाई भी हो गई, ये देखो। और क्या कह के, क्या कह के हमें संगीत सिखाने से मना कर दिया था? कि मतलब हम लोग छिछोरे हैं, छिछोरा पंथी के गाने गाते हैं, हमें संगीत का सा नहीं मालूम, रिक्शा पकड़ के निकल लो। हाँ उस दिन रिक्शा भी नहीं मिला था। हाँ और तेरी विमला और मेरी कमला के सामने कितनी इंसल्ट की थी उस आदमी ने। अरे अभी तो कुछ नहीं भूपेंद्र, अभी तू देखना अगले प्रोग्राम में इसकी ऐसी की तैसी करूंगा, वो देखो। अरे मैंने तो प्लान बना लिया है, ऐसा कांड करेंगे ना कि ये गमला गुनगुनाहट प्रोग्राम करना ही छोड़ देगा, ये देखो। अभी जाकर इन दोनों को अरेस्ट करता हूँ मैडम। अरे अरेस्ट ना, तू रेस्ट कर, क्या फायदा होगा अरेस्ट करके, ना एक दिन छूट जाएंगे और फिर करेंगे अपनी ये कायापंती की हरकतें। मम्मी जी, व्हाट आर यू थॉटिंग? थिंकिंग। या दिस वन। चौकी चलो, वहीं करेंगे थिंकिंग और थॉटिंग। चल चलिए। आइए आइए। बोल ले ही, फूट ले मुंह से कुछ। बिल्कुल यहाँ चश्मे पूछ रहे हैं और कुर्ते पे प्रेस होगी और साल पे जो है कलफ चढ़ेगा, फिर तो यहाँ बात बढ़ेगी आगे। अरे अरे देख मैडम, आपने हमें यहाँ बुलाया है।
हाँ वो क्या है कि इंदर और भूपेंद्र ने तुम्हें रुलाया तो मैडम के दिमाग में एक आइडिया है आया और मम्मी जी ने तुम्हें बुलाया। देखिए मैडम, आप बताइए मैडम, क्या इन दो मुस्टंडों से पिटने के लिए हम पैदा हुए संगीत साबुदाना है? नहीं, ऐसा है उन दोनों लौंडों का हमने पीछा करा था और उनकी भी जो है हमने बातें भी सुन ली और ये क्लियर हो गया है कि क्यों वो तैने जो है इतना पीट रहे हैं, तंग कर रहे हैं, थारे सो की बैंड बजा रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं मैडम, क्यों पीट रहे हैं वो हमें इतना संगीत साबुदाना है? भाई ऐसा है, तू उन्हें भूल गया है। एक बार बहुत पहले दिमाग पे जोर डाल, आए थे वो लोग थारे पास संगीत की शिक्षा लेने, तो तैने ऐसे भगा दिया था उन लोगों को, खकाल दिया था एकदम, यार हटाओ, निकलो यहाँ से, गेट आउट, रिक्शा पकड़ो, घर को निकलो। कुछ याद आया? तो अब क्या रिक्शे के पैसे वसूल करने के लिए वो हमें पीट रहे? संगीत साबुदाना है भाई, ऐसा है तू फिकर ना कर, क्योंकि फिकर करने का टाइम आ गया है एक ऐसे आदमी का जिसकी जो है मोटी चमड़ी है, हैं? अकल वकल साले में है ना बिल्कुल ही, ये उसको फिकर करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी मॉम, हु इज दैट फेलो? कैरी ऑन। गुलगुले समझो मैडम की बात, जल्दी करो आइडिया की बरसात, ओके बाय। ओ आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टाए टाए हेलो हाय बाय बाय आइडिया आ रहा है। तो मैं तेरे दुनिया से बाय बाय कर दूंगी, डोंट कम बैक, लीव अलोन प्लीज, फिर देगा आइडिया। नहीं मैडम, पहले जुल्फ तो बिखेरिए, मतलब सुनिए। गुड आइडिया। यस नहीं मैं कुछ नहीं, नहीं कुछ तो नहीं जी, कुछ नहीं, बस एमी तू अनुष्का शर्मा हो रहा है जो एमी कर रहा है तू है? बिल्कुल चूरन चाट लिया हो जैसे, प्लीज बोल। आज भैया कोई खाएगा नहीं यार, कुछ नहीं होगा जब तक कि यो आदमी बोले नहीं, इसने के बोलने की कोशिश करी, कम ऑन। अरे वो भी कोई खाएगा भी नहीं यार, बोल ना। अन्न जल का त्याग फॉर दिस मैन स्पेशली। अरे बोली ना। ने, ने, ने। मैं यही कहना चाह रहा था जी, आइडिया बहुत अच्छा है जी। दैट्स बेटर, थैंक यू। मैडम इंदर और भूपेंद्र हाजिर हैं, वो देखो। बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? ये देखो। बहुत बड़ी सहायता कर सकते हो तुम हमारी, हैं अगर चाहो तो। फिलहाल जरा इन पे नजरें इनायत करो, ये देखो इन्हें जरा पहचानो, जानते हो तुम इन्हें कौन है? यो नहीं। अबे यार अखबार ना पढ़ते हो तुम, हैं? पेज 3 की शान है यो, बड़े फेमस इंटरनेशनल लेवल पे फेमस आदमी बैठा है तुम्हारे सामने। भाई ऐसा है, सारे इवेंट्स छोटे बड़े, बड़े बड़े हैं शादियां पार्टियां फंक्शन हो गए, बर्थडे हो गए, हर चीज ऑर्गेनाइज करते हैं, घने बहुत फेमस ऑर्गेनाइजर हैं। तो अबे तो देन बात ज्यादा यहां कर मत, मैं बोल रही हूँ सुन ले, वरना एक रैप्टा मारूंगी खींच के, दूसरा सीसा भी हाथ में आ जाएगा। ये देखो ऐसा है, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनके बहुत करीबी मित्र हैं, एक तुमने सुनी होगी उस जगह का नाम सल्तनते कबाबिस्तान, सुनी है जगह? यूएई दुबई में गए होगे दुबई तो। तू कब गया दुबई? नहीं सुना है ना यार, सल्तनते कबाबिस्तान इतनी फेमस जगह है, वहां के जो शेख हैं शेख हलीम और उनकी बेगम बिरयानी, वो हमारे कमिश्नर साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, और भाई 2 दिन के लिए आ रहे हैं, कमिश्नर साहब के बेस्ट फ्रेंड हो रही हैं, उनकी फैमिली रिलेशन हो रहे हैं, तो अब कमिश्नर साहब ने हम पे डाल दी है उनके एंटरटेनमेंट की जिम्मेवारी, बताओ। मम्मी जी
हम उनका मनोरंजन कैसे करेंगे? हाउ? उनको डिस्को दिखाएंगे या फिल्म वगैरह दिखाएंगे? भाई ऐसा है, हमारे जो इन फार्मर है ना, है मतलब खबरी लोग, उन्होंने मन्ने बताया है कि शेख हलीम और बेगम बिरयानी को छिछोरा म्यूजिक गाना पसंद है। ओह ये ये, मतलब छिछोरे बाजी के गाने, लपाड़पंती का जो म्यूजिक हो ना, मतलब। तो मैंने कही कि अगर ऐसी बात है तो जो स्पेशलिस्ट है छिछोरापंती में उन्हें बुलवाया जाए, इसलिए तुमको बुलवाया है। भाई ऑर्गेनाइजर साहब, भाई आप चुप ही बैठे रहेंगे, सारे झूठ मुझसे बुलवा, मतलब सारी कहानी मैं ही बताऊंगी, आप भी कुछ जरा यहाँ पार्टिसिपेट। मायसेल्फ ब्रिजनंदन शर्मा। और बात कुछ ऐसी है बेटा, देखो बात कुछ ऐसी है कि शेख हलीम और बेगम बिरयानी को मनोरंजन का बड़ा शौक है, और अगर आप उनका मनोरंजन कर पाए तो वो दाद देंगे, और जब वो दाद देते हैं तो कोई ऐसी वैसी दाद नहीं देते, वो एक एक करोड़ देते हैं, वो एक एक करोड़। सोच लीजिए आप, रातों रात आप करोड़पति बन से। अरे ब्रिजनंदन जी, जरा आराम से, कहीं ब्रिज टूट ना जाए। हाँ भाई ब्रो, तुम किसी छिछोरे सिंगर को जानते हो? अजी एक को नहीं, दो दो को जानते हैं। ये रहे आपके सामने, वो देखो। तुम लोग गाना गाओगे छिछोरे गाने और शो करोगे तुम लोग? हाँ मैडम, आप देखना कैसे बेगम बिरयानी हमारे छिछोरे छिछोरे गानों की कैसे कैसे दाद देती है, ये देखो। यार ये तो तुमने जो है भाई हमारी नैया पार लगा दी, एक बात का समझ लो। ऐसा है, अब कल आना तुम लोग, और कल हम यही चौकी में स्टेज वगैरह सजाएंगे, हैं पूरा डेकोरेट वगैरह होगा, और ये ब्रिजनंदन जी के निमटने से पहले आ जाना भाई, हैं रियाज वगैरह करके बढ़िया से। ओह ये ये, चलो निकलो। ये ठीक है बेटा, आ जाओ कल। किसने कही है ये इतना? मैडम टैलेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। मम्मी जी मैं ये पूछना चाह रहा था, बाकी का प्लान तो ठीक है, आई थिंक वेल यू नो। चल चल चल। मैं ये पूछना चाहता था जी, हु इज द शेख हलीम एंड बेगम बिरयानी? मल्ला का महफिल सजाई मजा गई। बेगम बिरयानी, बेगम बिरयानी तुम वहां वो आदमी से बात क्या करती है? अंदर आओ। बेगम बिरयानी, ये देखिए, ये रंगारंग मनोरंजन का कार्यक्रम आपके लिए अरेंज किया गया है। सिंगर्स मनोरंजन के लिए आपके लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं। वल्ला वल्ला, बस थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा, आप आइए तशरीफ रखिए। जी चाहते 4 करोड़ तुम्हें दे दूं, लेकिन बाद में। बाद में, अभी नहीं, अभी बिरयानी आप... बिरयानी कंट्रोल, बिरयानी बिरयानी कंट्रोल। चलिए 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 बेगम बिरयानी। तो भाई छिछोरे तैयार हैं? ओ या, तो मनोरंजन शुरू किया जाए। इधर आ इधर आ इधर आ, दाद देती हम तुमको, दाद देती। इधर आ, क्या गाती। इधर आ इधर आ इधर आ। ओह क्या गाती। अरे अरे
मार क्यों रहे हो? अच्छा लगा तो ये कर क्या रहे हो? अरे हम मार गा रहे हैं, हम तो दांत देती है। अरे कोई तरीका होता दांत देने का? ये देखो। Yes! अच्छा यो दांत देने का तरीका पसंद ना आया जो तुम गमला को पीट पीट के उसे दांत देते हो? वो दांत दांत और हमारी दांत खाद। क्यों बेटा? आ गए ना झटका। ये चंद्रमुखी चौटाला और मैं हूँ मुलायम सिंह गुलगुले। और हम है चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। अब समझ में आया तुम लोग को तुम कितना गलत कर रहे थे? हाँ हाँ मैडम, हमें एहसास हो गया कि हमने अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में गलत किया। गमला कम ऑन। चलो। चलो माफी मांगो गुरुजी। अरे चलो भाई, ये अपनी अपनी दुश्मनी खत्म करो और गमला तू कल से इन्हें संगीत सिखा। ओह ये ये। जी मैडम, हमें मंजूर है। ओ ये। संगीत साबूदाना है, अब से इन्हें भी सिखाना हमें गाना है। वेरी गुड। चलो भैया, एवरीबॉडी लव्स अ हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग हो गई, अपने अपने घर को निकलो। नाइस मीटिंग।